एंड वेलकम। आज हम अरबी के पत्तों के स्टीम्ड पकोड़े बनाएंगे, जिसके सबसे पहले हम ये डंठल निकालेंगे, फिर आगे काम करेंगे। अब हम इसका बेसन का घोल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन, आवश्यकता अनुसार पानी, गाढ़ा घोल बनाएंगे। हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन, अमचूर पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, नमक, लाल मिर्च, सौंठ पाउडर, चाट मसाला और हींग, इन सबको मिलाकर सबसे पहले हम गाढ़ा घोल बनाते हैं। बेसन मैंने बाउल में डाल दिया, अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे और फिर आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। गाढ़ा घोल तैयार है, अब मैं इसका लेप पत्तों पर करूंगी। सबसे पहले नीचे बेस पर मैंने बड़ा पत्ता रखा है, अगर इसकी ये साइड ऐसी है तो दूसरी साइड हम ऐसी इसके ऊपर रखेंगे, यानी एक साइड सीधी तो दूसरा उल्टा इसके ऊपर चिपका कर, अब फिर से इसके ऊपर हम गाढ़े घोल का लेप करेंगे। पत्तों पर बेसन का घोल लगा दिया, अब आप इसको फोल्ड करें। ये पानी मैंने स्टीम करना रख दिया और ट्रे भी ग्रीस कर दी है, दोनों साइड से पहले करें, फिर इसके ऊपर ये ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे लगाते जाएं। अब हम इसको ढककर स्टीम करेंगे। ये पत्तों के पकोड़े बहुत अच्छे से स्टीम हो गए, इनको स्टीम होने में 20 से 25 मिनट लगे हैं। आप इसको ढोकले की तरह ऐसे नाइफ लगाकर भी देख सकते हैं कि नाइफ बिल्कुल क्लीन है, तो आप इसको, अब हम इसकी छोंके की तैयारी करेंगे। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद अब मैंने इसको बराबर भागों में काट दिया है। 2 चम्मच सरसों का तेल गर्म करना रख दिया, अब मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी। पकौड़े बहुत अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी और इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है।